क्योंकि तुम ही हो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों कुछ आज नया सीखने वाले हैं। दोस्तों जो आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं ना, यानी कि स्टेटस वीडियो देख रहे हैं ना, दोस्तों कुछ इस तरह के आज स्टेटस वीडियो एडिट करना सीखेंगे। दोस्तों इस तरह के वीडियो एडिट करने के लिए एक एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी जो है काइन मास्टर। तो चलिए दोस्तों अपना काइन मास्टर ओपन कीजिए, वहाँ पे चल के आगे का प्रोसेस जान लेते हैं। दोस्तों हमारा काइन मास्टर ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखें दोस्तों, क्रिएट न्यू का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। 16:9 का दोस्तों एक फ्रेम को सिलेक्ट कर लीजिए। मीडियम जाकर दोस्तों वीडियो को दोस्तों सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों जो भी मटेरियल मैं यहाँ पे यूज करूँगा, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो का पहले साउंड को म्यूट कर लेते हैं। वीडियो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखें दोस्तों एक साउंड का ऑप्शन, इस पे क्लिक कीजिए। दोस्तों यहां से म्यूट कर दीजिए। अब दोस्तों जितना बड़ा आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं उतना वीडियो को रखेंगे, उसके बाद जो बाकी का पार्ट है दोस्तों उसको कटिंग करेंगे। यहां पे देखें दोस्तों मैं 15 सेकंड तक वीडियो को रखूंगा। तो वीडियो पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ऊपर देखें कैंची का ऑप्शन, इस पे क्लिक कीजिए। देखिए ट्रिम टू राइट आप फ्लैट कर दीजिए। दोस्तों जो भी इमेज या फोटो से आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं दोस्तों, उस इमेज को आप लोगों को पहले इरेज करना पड़ेगा। दोस्तों इरेज करने के लिए देखें दोस्तों, पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे सर्च कीजिए रिमूव बीजी। दोस्तों देखिए जो वेबसाइट आई है दोस्तों, रिमूव बीजी का ऑफिशियल वेबसाइट, दोस्तों इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए अपलोड इमेज का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों अपने गैलरी से एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों जो भी आप फोटो से स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं उसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर दीजिए कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों अपना इमेज यहाँ पे इरेज हो चुका है। दोस्तों इसको डाउनलोड करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों मैं पहले से इरेज करके रख लिया हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। दोस्तों यहां से बैक करेंगे और इरेज फोटो को दोस्तों ऐड करेंगे। दोस्तों लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाकर दोस्तों जो फोटो को इरेज किया है दोस्तों उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों इमेज को कुछ तरह से जूम करके यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। अब दोस्तों इमेज को कुछ तरह से खींच के वीडियो के बराबर कर लीजिए। लेफ्ट साइड में देखिए दोस्तों थ्री डॉट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। डुप्लीकेट पे दोस्तों क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जो डुप्लीकेट लेयर है दोस्तों कुछ ही तरह से जूम करके यहाँ पे फिक्स कर दीजिए। अब दोस्तों जो डुप्लीकेट लेयर है ना, इसको सेंड टू बैक करेंगे। इसको करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। सेंड टू बैक कर दीजिए। जहाँ पे दोस्तों इमेज अच्छा लग रहा है दोस्तों वहाँ पे फिक्स कर दीजिए कुछ इस तरह से। अगेन दोस्तों क्रोमा की के नीचे देखिए एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों स्क्रीन को ऑन कर दीजिए। दोस्तों कैपेसिटी को यहां तक माइनस कर दीजिए। अगेन दोस्तों लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाके दोस्तों एक वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए। अगेन दोस्तों क्रोमा की के नीचे देखिए दोस्तों एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों स्क्रीन को ऑन कर दीजिए। दोस्तों टेस्ट वाली वीडियो को कुछ तरह से यहाँ पे जूम करके यहाँ पे फिक्स कर दीजिए। दोस्तों अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे देखें दोस्तों जो अपना टेस्ट वाला वीडियो ना, आगे का पास्ट एक्स्ट्रा पार्ट है दोस्तों, इसे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए देखें दोस्तों वीडियो पर क्लिक कीजिए, ऊपर कैंची का ऑप्शन है दोस्तों सेलेक्ट कीजिए। ट्रिम टू लेफ्ट आप फ्लैट कर दीजिए। दोस्तों टेस्ट वाली वीडियो को कुछ तरह से फिंगर रख के स्टार्टिंग पोजिशन तक कर दीजिए। अगेन दोस्तों लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाके दोस्तों फॉग वाली वीडियो को ऐड कर लीजिए। दोस्तों फॉग वाली वीडियो के यहाँ से फुल स्क्रीन कर लीजिए। कैंची के बगल में देखिए दोस्तों एक डब्बा है, इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों इसको ब्लैक जो कलर है दोस्तों, इसको रिमूव करने के लिए देखिए दोस्तों क्रोमा के नीचे एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन है दोस्तों, इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों स्क्रीन को ऑन कर दीजिए। अगेन दोस्तों लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाके दोस्तों एक फ्रेम वाली पीएनजी को ऐड कर लीजिए। फ्रेम वाली पीएनजी को दोस्तों यहां से फुल स्क्रीन कर लेते हैं। कैची के बगल में देखिए दोस्तों एक डब्बा है, इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों ये वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अगेन दोस्तों क्रोमा की के नीचे देखिए दोस्तों एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों स्क्रीन को ऑन कर दीजिए। दोस्तों फ्रेम वाली पीएनजी को कुछ तरह से खींच के वीडियो के बराबर कर लीजिए। दोस्तों वीडियो में कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कटिंग करने के लिए लेयर पे क्लिक कीजिए, ऊपर कैंची का ऑप्शन दोस्तों सेलेक्ट कीजिए। ट्रिम टू राइट आप फ्लैट कर दीजिए। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाइए। दोस्तों हमारी वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। एक बार आप लोग को वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए अपनी वीडियो कैसी एडिट हुई है। क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ भी सीखें दोस्तों, प्लीज़ एक वीडियो पे लाइक कर दीजिए।
दोस्तों वीडियो गैलरी में सेव और शेयर करने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पे एक आइकन, इस पर क्लिक कीजिए। जो भी आप क्वालिटी में चाहते हैं दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों वीडियो कहीं से एक्सपोर्ट कर दीजिए, यानी कि दोस्तों सेव कर लीजिए गैलरी में।